सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। यानी कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हो इंडिया में जिसका नाम हमने काफी ज्यादा सुन रखा है। ऐसे कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हमें ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं? अब देखिए, इनमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका नाम भी बहुत बढ़िया है, जिनका काम भी बहुत बढ़िया, प्लेसमेंट्स भी बढ़िया है, कॉलेज एक्सपोजर भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हमें देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है जिनमें प्लेसमेंट्स उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक्सपोजर बढ़िया है। यानी कि ओवरऑल किसी भी प्रकार से टॉप 10 में हमारे आते हैं, मतलब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनका नाम है। देखिए, और भी कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं, कुछ कॉलेज आपके हिसाब से सब्जेक्टिव होगा, कुछ कॉलेज आपके एरिया के हिसाब से, आपके लोकेशन, आपके चॉइस के हिसाब से इन टॉप 10 में आ सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखा। तो आपके हिसाब से जो भी कॉलेजेस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, हो सकता है इसका पार्ट टू वीडियो आ जाए। फिलहाल अगर आज की इस वीडियो में बात कर लें, हर कॉलेज के बारे में बताऊंगा कौन सा कॉलेज किस पर्टिकुलर फील्ड में कहां पर स्टैंड कर रहा है, किस तरीके का कॉलेज है। खैर, आज के इस वीडियो में या फिर आने वाले जितने वीडियोज में इस प्रकार का लिस्ट लाऊं, समझिए कि ज्यादातर कॉलेजेस के हमारे रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो किसी भी कॉलेज के बारे में अगर इन डिटेल जानना हो तो आप हमारे रिव्यू वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर बात कर ले, सबसे पहला कॉलेज जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर वन पर आता है, बताने की जरूरत नहीं है, बिट्स पिलानी हो, इसके सामने चाहे शायद ही कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हो जो टिक पा रहा हो। बिट्स पिलानी तो नंबर वन पर रहेगा ही। उसके बाद के अगर कुछ कॉलेजेस की बात कर ले तो दूसरे नंबर पे अगर एनआरएफ से ही जज कर लो तो वीआईटी वेलोर आता है। हालांकि प्लेसमेंट्स इनके उतने भी बढ़िया नहीं है, और भी कुछ कॉलेजेस है जो इनसे बेटर प्लेसमेंट देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कॉलेज लाइफ बात कर लो, एनआरएफ रैंकिंग, ओवरऑल मतलब जितने भी सारी चीज़ें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो टॉप नॉच में देखने को मिलता है, एक्सपोजर बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से हैं, तो इसी प्रकार का हमारा कुछ कॉलेज है वीआईटी वेलोर, जो कि काफ़ी बढ़िया ब्रांड वैल्यू कैरी करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके वीआईटी वेलोर और वीआईटी चेन्नई ही कैंपसेज मैं अपने एंड से रिकमेंड करता हूँ। उसमें भी वीआईटी वेलोर कुछ ज्यादा ही, मैं वीआईटी चेन्नई से भी और वीआईटी वेलोर में भी काफी ज्यादा गैप मैं मेंटेन करता हूँ। तो अगर वीआईटी वेलोर मिल रहा हो तो ठीक ठाक है, ले सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीजें चाहिए, फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा लग रहा हो, बजट कम है, तो वीआईटी वेलोर भी मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा कि साइड में रख सकते हो। कुछ और भी ऑप्शन हम देखेंगे अभी। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगेन हमें एवरेज पैकेज प्लेसमेंट थोड़े बेटर देखने को मिलते हैं, और अगर इसी के साथ बात कर ले फी स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक, यहाँ भी अच्छा खासा फी स्ट्रक्चर लगने वाला है, लेकिन हमारा ये भी एक काफी नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट आ जा रहा होता है। सेम अगर इसी लीग में डिस्कस करते हुए चले तो हमारा एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाता है। थोड़े से और अगर इसी लीग में जाना तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी जा सकते हो। ये सारे वो कॉलेजेस है जिनका नाम बहुत ज्यादा सुनने में आता है। अब बिल्कुल इस नाम के वर्थिट है या फिर नहीं, ये सारी चीजें हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना मानकर चल सकते हो कि ब्रांड वैल्यू आपको एक काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, एल्यूमिनाई नेटवर्क काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ये सारे कॉलेजेस हमारे टॉप कॉलेजेस में आते हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि जैसा फी स्ट्रक्चर ले रहे हैं उस हिसाब से जस्टिफाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो पा रही है या नहीं। फी स्ट्रक्चर से मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं बस जज कर रहा हूं ओवरऑल कितना ज्यादा नाम है इन इंस्टीट्यूट्स का। तो इसी के साथ बात कर ले, हमारा नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है बीआईटी मिश्रा। बीआईटी मिश्रा हमारे जीएफटीआईज की लिस्ट में टॉप पर आता है, एनआईटीज की लिस्ट में हम बीआईटी मिश्रा को कंसिडर करते हैं, तो बीआईटी मिश्रा एक अलग ही लीग पर रहता है। चाहे आप इसे वीआईटी वेलोर से बेटर बोल सकते हो, थापर इंस्टीट्यूट से बेटर बोल सकते हो, एसआरएम से बेटर बोल सकते हो, एमआईटी मणिपाल, इन सभी से बेटर बोल सकते हो, लेकिन अभी भी बिट्स पिलानी आईआईटीज के कैटेगरी में है और बीआईटी मिश्रा हमारे एनआईटीज के कैटेगरी में है। फी स्ट्रक्चर आपके एनआईटीज से थोड़ा ज्यादा होगा, आईआईटीज से थोड़ा ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन मतलब आईआईटी से भी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा तब अगर आप आईआईटीज में फी रेमिशन नहीं ले रहे हो, फी वेवियर देखने को नहीं मिल रहा है तब, वरना फी वेवियर आईआईटी में मिल गया तब तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा बीआईटी मिश्रा में भी और आपके आईआईटीज में भी। लेकिन अगर बात कर ले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बीआईटी मिश्रा का भी काफी बढ़िया है, कॉलेज एक्सपोजर आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, कॉलेज लाइफ बढ़िया होगा, इसी के साथ प्लेसमेंट्स बहुत तगड़े हमें देखने को मिलते हैं बीआईटी मिश्रा में भी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्लेसमेंट्स उतने बढ़िया नहीं है, फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिलता है, 15 से 20 लाख के आसपास आपका खिंच जा रहा होगा, और अगर इसी के साथ बात कर ले कॉलेज लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाला है। तो अगर और कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल पा रहे टॉप इंस्टीट्यूट्स के, आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किए, एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो। ये भी हमारा काफी एक नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी बोल सकते हो, आपका आता है ऑल ओवर इंडिया, प्लेसमेंट्स उतने बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और सेम अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लीग में ही बात कर ले तो हमारे पास आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी सेम, जो भी बातें मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के लिए कही सेम आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए भी लेकर चल सकते हो। और अब आगे बढ़े तो चलिए कुछ कर्नाटका के कॉलेजेस देख लेते हैं जो अपने ही अलग लीग पर रहते हैं। यानी फी स्ट्रक्चर बाकी सारे जो जिस प्रकार के प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिस प्रकार का कॉलेज लाइफ प्रोवाइड करेंगे,
सेम अगर लीग के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स अगर हम बात कर ले उनसे सस्ता पड़ता है, सस्ता एक्चुअली है नहीं। जैसे पहला कॉलेज हम एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये सस्ते है नहीं, महंगे ये भी है लेकिन उतना महंगा नहीं है जितना हम सोचते हैं। 10 से 15 लाख के आसपास का हमारा बजट रहेगा तो MSRIT भी हमारे देखने को मिल जाएगा, थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हो, कुछ और अगर खर्चे देखने को मिलने वाले हैं तो। वरना MSRIT से भी जो मैं टॉप पर रखता हूँ सिमिलर लीग में, तो RVC आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में किसी भी कॉमेड के वाले कॉलेजेस, किसी भी कर्नाटक के कॉलेजेस से इसे टॉप पर ही रखता हूँ RVCE को। या फिर इवन अगर बात कर लें, अगर बजट आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक नहीं जाना चाहते लेकिन उस प्रकार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्लेसमेंट देखना चाहते हो, ऑफकोर्स अगर सिर्फ बिट्स पिलानी को छोड़ दें, उसके बाद जो मैं प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं RVCE में बहुत शानदार देखने को मिलते हैं, किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को बीट कर दे अगर आप बिट्स पिलानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। बस एक छोटा सा दिक्कत आ जाता है कि कैंपस एरिया हमें छोटा देखने को मिलता है, बट ये कहीं भी आपके वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर कॉलेज लाइफ में कहीं भी रुकावट नहीं बनता। और देखिए कैंपस एरिया छोटा होना बैंगलोर के किसी भी टॉप आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लो, कैंपस एरिया छोटा होने का रीजन, जहां पर छोटा है उसका रीजन ये है कि आपके बिल्कुल मेन सिटी में लोकेटेड है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी, क्या कैंपस एरिया इतना छोटा कि बहुत क्राउडेड हो, कुछ फैसिलिटीज में कमी हो, तो नहीं। RVCE का कैंपस एरिया इतना भी छोटा नहीं, मतलब छोटा है एक्चुअली, नंबर्स में छोटा है लेकिन फील नहीं होने वाला। लेकिन वहीं अगर इसके साथ बात कर ले मेन सिटी में लोकेटेड है तो इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। फायदे इन द सेंस मेन सिटी से कनेक्टेड है तो आपको आने जाने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, कहीं थिएटर जाना है मॉल जाना है तो। ये देखिए कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि भैया मुझे पसंद नहीं कि आप मॉल के बेसिस पर, सिटी से कितना कनेक्टेड है, इन सभी बेसिस पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस को जज कर दे रहे हो। तो देखिए बहुत बढ़िया एक कॉलेज है और एक थोड़ा उतना बढ़िया अच्छा कॉलेज नहीं है, इसमें कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, इसमें उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन डिफरेंस मेजर है गुडनेस और, मतलब गुडनेस में डिफरेंस है, तब हम यहाँ पर मॉल्स और कनेक्टिविटी की बेसिस पे जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऑलमोस्ट सिमिलर कॉलेज में देखने को मिल रहा तो कनेक्टिविटी पे बेशक हमें जज करना चाहिए, क्योंकि आज लग रहा मुझे प्लेसमेंट लेना है लेकिन प्लेसमेंट आपका एंड गोल है, ये एक मेजर गोल है, इसे फुलफिल करने के लिए कुछ माइनर गोल्स भी हमें देखने पड़ते हैं। कनेक्टिविटी थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है अगर लगभग आसपास के कॉलेजेस हैं तो, इस समय आपको कनेक्टिविटी कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ रहने जा रहे 4 साल के कॉलेज लाइफ, जब हम कॉलेज में आ जाते हैं तब कई स्टूडेंट से कंप्लेन सुनने को आता है कि भैया हमने तो कॉलेज ऐसा देखा था, वैसा सोचा था, अब कॉलेज लाइफ ऐसा मिल ही नहीं रहा, तो कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें अपने आखिरी कॉलेज की, जिसका नाम अभी तक शायद आपने गेस किया हो या ना किया हो, RIIT हैदराबाद। RIIT हैदराबाद भी हमारा एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ही है और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा बिट्स पिलानी को टक्कर दे सकता है RIIT हैदराबाद, या फिर दे रहा है, कहीं टर्म्स में बेटर भी है अगर CSE डिपार्टमेंट कंपेयर कर लो तो, या फिर टक्कर जस्ट बोल सकते हो RIIT हैदराबाद हमारे IITs को टक्कर देता है आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैच के प्लेसमेंट्स के लिए अगर हम बात कर लें। तो देखिए RIIT हैदराबाद, बिट्स पिलानी जैसे कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता प्लेसमेंट के टर्म्स में, अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लें। ऑफकोर्स अब यहाँ पर IITs ला दोगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट से काफ़ी फंड्स मिलते हैं, इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो पसंदीदा कॉलेजेस, तो गवर्नमेंट के तो पहले ही हमने साइड में रख दिया क्योंकि हमारा नाम ही है Top 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आज के इस वीडियो में हमने बात कर लिया कुछ टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें फी स्ट्रक्चर से हमने चीज़ें जज नहीं की है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से जज नहीं किया है, प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया बहुत कम से इससे जज नहीं किया, ओवरऑल किस प्रकार का कॉलेज है और कौन सा कॉलेज किस प्रकार का है मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया। अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आपके हिसाब से अगर और भी कुछ कॉलेजेस जो इस लिस्ट में आ सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने लिस्ट को बनाना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।